शाहपुरा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान बाहर मनमाने दाम देकर सोनोग्राफी ईसीजी जांच कराने वाले मरीजों को अब शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मरीजों की समस्याओं को देखते हुए विधायक आलोक बेनीवाल ने विधायक कोष से अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन, ईसीजी मशीन और नई डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। विधायक ने कहा है कि अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन नहीं होने से मरीजों को बाहर राशि खर्च कर सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। यहाँ मशीन उपलब्ध होने पर निःशुल्क होने से मरीजों को काफ़ी आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही मशीन को संचालित करने के लिए विभाग को पत्र लिखकर रेडियोलॉजिस्ट लगवाने का भी आश्वासन दिया गया। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में मंगलवार को विधायक आलोक बेनीवाल की अध्यक्षता में MRS की बैठक में अस्पताल की विभिन्न समस्याओं और अस्पताल के विकास को लेकर चर्चा की गई। विकास कार्यों के कई प्रस्ताव लिए गए। विधायक ने अस्पताल में नई सोनोग्राफी व अन्य मशीनें उपलब्ध करवाने, मुख्य गेट का जीर्णोद्धार कर ऑटोमेटिक बंद गेट लगवाने, इमरजेंसी का जीर्णोद्धार उसका स्वरूप बदलने और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान डिप्टी CMHO डॉक्टर प्रवीण जरवाल ने कहा कि MRS से राशि खर्च करने के बजाय कोटपुतली में 2 रेडियोलॉजिस्ट है, वहां से 1 कार्मिक को यहां लगाया जा सकता है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरीश मोहन मुदगल ने अस्पताल में LED, CCTV, मल्टीफंक्शनल फार्मासिस्ट के 2 पद रिक्त होने, स्वास्थ्य मार्गदर्शक की MRS से नियुक्ति करने, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करने व अन्य विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा। इस दौरान डिप्टी CMHO डॉक्टर प्रवीण जरवाल ने BCMHO डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर मेघराज जालानी सहित अन्य लोग यहाँ मौजूद रहे।